दोस्तों बड़ी मियाँ छोटी मियाँ और मैदान क्लैश होने वाली है। दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर लगभग आ चुके हैं। दोनों ही फिल्मों को लेकर एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस दोनों ही है। दोनों के फैंस में अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार के फैंस में हमारे साथ फिलहाल मौजूद है ऑटो लैंकर। उस जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही फिल्मों में से क्या कुछ होने वाला है, किसकी बजने वाली है, कौन चलने वाली है। अशोक साहब का बहुत स्वागत है। सीधा कट टू कट बात करते हैं, क्या लग रहा है दोनों ट्रेलर के बाद आपको, दोनों फिल्मों से क्या उम्मीदें हैं, या किसकी लगने वाली है या किसकी बजने वाली है। ये नहीं है, देखो ये नहीं है, खुद है जी। देखो पहले से ही जो है बॉलीवुड वाले खुद अपनी बजा के लेते हैं, बजाने दो, हमें कुछ नहीं। हम जो है यूट्यूबर है और फिल्मी लवर है, हम लोग जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, जो जो देख लिए उसका हम लोग रिव्यू दे देंगे, क्योंकि दोनों मूवी आ रही है साथ में, तो हम जो है दोनों एक साथ बैठ के, भाई ये अजय देवगन आ रहे हैं, भाई ये अक्षय कुमार आ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग दोनों साथ में तो नहीं देख सकते, वन बाई वन देख सकते और उसके रिव्यू दे सकते। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 8 तारीख को जो आई अजय देवगन की ट्रेलर आई, जो मैदान मूवी की, उसकी मैं बात करता हूँ। ये 2 मिनट 44 सेकंड की ये ट्रेलर है, और इसके अंदर जो है ट्रेलर जो मतलब स्टार्ट होता है वैसे ही जो है अजय देवगन आते हैं किसी गाड़ी या आते हैं, जब तक उनकी लड़की रहती है आवाज़ मारती है, अरे आपके सोहर आ गए हैं। तो देखो ये कुछ डिसपॉइंट, ये कुछ सोचने वाली बात है कि क्या ये क्या किस तरह का ये मूवी हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखो एक कोच है इसके अंदर, मैं देखा बहुत से ऐसे कुछ, कई बार मैं रिपीट करके ये देखा, इसके अंदर बहुत से ऐसे सीन जो हैं देखने लायक है, रोंगटे खड़े कर देने वाले का। और ये जो है मतलब एक दर्शाती है फिल्म, मतलब एक फैमिली को बैठा के दिखाने के लिए कि आगे क्या होगा, और मेरे भी बच्चे जो है कुछ खेल कूद में है ऐसे करके। तो ये जो है अब जो है ये मूवी जो है अजय देवगन की दूसरी मूवी होगी, तो इसमें भी कुछ जो है उन्होंने दिया है जो देखने लायक है। लेकिन एक बात यह है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर होगी या सुपर हिट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी लगने वाली है, इसकी भी लगने वाली, क्योंकि डिले पे डिले हुआ है। और ये जो है बड़े बजट की मूवी, मैं पहले से ही आया, पहले से ही बोलते आऊँ, बड़े बजट की मूवी है, उसको संभल के आना चाहिए, क्योंकि ये आ रही है साथ में आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों क्लैश हो रही है, और यहाँ पर स्क्रीनें बट जाएंगी। स्क्रीनें बटने का मतलब ये है पब्लिक बढ़ जाएगी, कलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो ये जो है जो 250-300 अगर ये लगाए हुए हैं तो एक ही साथ तो पब्लिक देगी नहीं, पहली बात है। अच्छी मूवी है तो क्या हो गया, लंबे तक चलेगी, यही है, जैसे आज जो चल रही है उनकी अजय देवगन की, वो इसी लंबे तक चलेगी। अब रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, मूवी ट्रेलर के हिसाब से ठीक लग रही है, फैमिली ऑडियंस आएगी ये पक्का है, लेकिन हिट या फ्लॉप मैं ये नहीं बोलूँगा, ना ब्लॉकबस्टर। अब रह गया मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बात करता हूँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो है बहुत से ऐसे इसके अंदर बातें हैं कि ये बातें हैं कि ये पब्लिक जो है आएगी कि नहीं आएगी, क्या कारण है, एक्शन देखेगी नहीं, क्योंकि एक्शन देख रही, इसके पहले भी एक मूवी आई थी क्रैक करके, इतना खतरनाक एक्शन था, उसको पब्लिक ने नाकार दिया, अरे एकदम ये कर दिया। अब आ रही है एक्शन मूवी, अब रह गया इसके ऊपर दांव खेलेंगे अली अब्बास जफर, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। अब रह गया वो बात नहीं दिख रही है जैसे वार में दिखी थी, वार में जैसे एक्शन और जो मारी मारा जो स्टोरी वो दिखी थी, वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि अलग तरीके का। तो क्या ये पब्लिक के ऊपर छा पाएंगे? दोस्तों एक ही बात है, पब्लिक के ऊपर जब छा पाएंगे, जब इसको कंटेंट रहेगा, कंटेंट मुझे दिख नहीं रहा है। डायरेक्ट जो है स्टोरी थोड़ी दिख रही है, डायरेक्ट इसमें बोलते हैं मैं प्रलय हिंदुस्तान को वैसी तबाही कर दूंगा, मतलब पब्लिक को ये इशारा हो गया कि ये अब जो है ये दोनों सातिर दिमाग के, ये दिमाग के वो दिमाग के, ये आएंगे और हिंदुस्तान को बचा लेंगे। देखो ये सब जो है क्लियर हो चुका है, ऐसी कोई ऐसी सीन नहीं है जो पब्लिक आए। तो दोस्तों ये अब पब्लिक के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों मूवी जो है अपनी खुद अपनी लगा के ले रही है। और ये दोनों मूवी जो है मैं अभी भी बोलता, मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैं बोला, ये दोनों मूवी जो है मुश्किल में है, और इनकी जो है भरपाई बहुत मुश्किल से होगी। और ये दोनों डायरेक्टर इतने रोने वाले हैं, जिंदगी में कभी नहीं रोएंगे उतने रोएंगे। अरे अशोक सर मैं क्या सोचा था, हाँ आप एक मूवी को ज्यादा सपोर्ट करोगे दूसरे मूवी, नहीं ऐसे नहीं। दोनों की बजा दे, देखो पहली बात मैं मेरे को गुस्सा क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो नाराज मत होना, चाहे अक्षय के फैन हो चाहे अजय देवगन के फैन हो, मैं एक ही मैं बात बोलूंगा, देखो मेरे को किसी से नाराजगी नहीं, नाराजगी ये है दोनों मूवी आ रही है साथ में आ रही है, दोनों बड़े बजट की मूवी है, बराबर दोनों राइट है। अब जो है इसमें आधे आधे हो जाएंगे, जी सही है, आधे आधे हो जाएंगे, स्क्रीन अलग हो जाए। अब बोलोगे कि 5-8 हज़ार स्क्रीन में 4 हज़ार उसके, 4 हज़ार उसके, मेरा 40 हज़ार कल, चार चालीस हज़ार का एक कर
40 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा, ये करो वो भूल जाओ। पहले ही दिन पब्लिक जो है जिस तरफ मुड़ेगी, अगर मुड़ भी गई, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, लेकिन जो बजट है, बजट भाई मेरे बहुत जो है निकुरे में चना चबाना होएगा और बहुत मशक्क़त करनी होगी ज़िंदगी में। कभी जो है ये ना तो क्लैश करेंगे, ना तो ये साथ में आने की कोशिश करेंगे, ना तो 250 के ऊपर ये 250 करोड़ के आगे जाके मूवी बनाने की कोशिश करेंगे, देख लेना सबकी बजने वाली। अच्छा सही बात है, आपकी बातों से समर्थन रखता हूँ कहीं ना कहीं। तो नहीं फिल्म में देख कर उनका कुछ सोच पा रहे कि कितना कमाई हो सकती है? देखो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है छुट्टी का माहौल है, सब लोग गए हैं, पूरा रोड सुनसान है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। घर पर मैं रोज गाली खा रहा हूँ औरत का, सुनो, घर पर मैं खुद पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, सुनो। आज जो है संडे है, आज बैंक वाले को मैं छोड़ा, उसकी भी लगी पड़ी है, वो 31 मार्च चल रहा है, वो कैलकुलेशन करने के चक्कर में है, उनकी पड़ी हुई है, ये तो दोनों मूवी है, तो इनकी क्या पड़ेगी? अब मेरे को बात बताओ कि 10 तारीख को क्या ईद और रोजा करने के बाद क्या दोनों मूवी पर टूट पड़ेंगे? नहीं। पहले दिन दिक्कत होगी। देखो पहली बात, पहले दिन दिक्कत की सवाल नहीं, पहली बात क्या क्या गारंटी है दोनों मूवी देखेंगे? हमारे ईद जो है, हमारे जो है भाई, ईद भाई लोग जो हमले मुस्लिम भाई लोग क्या है, उनके पास इतनी पड़ी है कि अपने घर और परिवार से नहीं मिलेंगे, पहले मूवी ही जाके देखेंगे। देखो पहली बात क्या, मूवी देखेंगे, साथ में देखेंगे, लेकिन जो है मैं अभी भी वही बात बोलता हूँ कि दोनों मूवी को जो है दिक्कत मुश्किल है, और इनकी दोनों की लगने वाली है। एक बात मैं बोलूं, चाहे जो भी रहे, एक ही बात है। हाँ बोलो। बस मुझे लगता है पब्लिक काफी नर्वस हो गई है। नहीं, नाराज का सवाल नहीं, मैं एक ही बात, अच्छा जिसका वो चलेगा ऐसा, हाँ जो कंटेंट पकड़ लिया, हाँ ये नहीं बोलूंगा कि उसका कवरेज होगा, नुकसान होएगा, लेकिन वो है उसको, मैं पहले बोला, बोलने पहले पहले बोला, निकुरे में चना चबाना होएगा उसको। ये मूवी रिलीज किया, उसको ये पता लग जाएगा कि क्लैश से आने से क्या होता है, और नहीं कंटेंट देने से क्या होता है, और ज़्यादा पैसा डालने से क्या होता है, यही होता है। क्योंकि अजय देवगन खुद जो है इसके अंदर कोच का काम किए हैं, उनको खुद मालूम है कि ज़्यादा कलेक्शन, ज़्यादा जो है पैसा लगाने में कितना नुकसान है, क्योंकि अभी जो उनकी मूवी चल रही है उनको खुद ही मालूम है। अब तो उनकी बल्ले बल्ले टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर नैया डूब रही है हमारे अक्षय कुमार की और ये टाइगर श्रॉफ की, इनकी दोनों की जो है नाव खड़ी है अली अब्बास जफर पर। अगर कंटेंट नहीं, खल्ला धराशाही एकदम खत्म। देखो एक ही मैं बात बोलूँगा कि आप लोग दोनों मूवी देखिए आगे पीछे, लेकिन अभी भी मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ, दोनों मूवी मुश्किल में। अच्छा आखिरी सवाल, हाँ दोनों ही फिल्में अफकोर्स ट्रेलर आपने देखा, हमने भी देखा, एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है, पब्लिक किस फिल्म को ज़्यादा जाने की कोशिश करेगी? अजय देवगन स्पोर्ट्स है, इसलिए कि क्या रीज़न स्पोर्ट्स का सवाल, उसके अंदर आप 3-4 बार देखो, उसके अंदर ऐसी कुछ सीन है जो देखने लायक है, और वो दोनों साथ में आप देख लो, साथ में ही दोनों देखो, ऐसे दो मोबाइल रख लो, दोनों ट्रेलर देखो साथ में, आप देखो है ना, डायरेक्ट जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का अप डाउन कर दोगे, और इसको ही देखो। बहुत शुक्रिया, बात करें, धन्यवाद।